विच ऑप्शन इज करेक्ट डी सर विच ऑप्शन इज करेक्ट अरे एक ही एस्टूडेंट का आंसर आया बाकी कोई लोग दे ही नहीं रहे आंसर ये तो बहुत डायरेक्ट आंसर है भाई कल बताया तो था डी आंसर याद आया सबको कल बताया था यस सर सी सी एस थ्री सोडियम लिक्विड अमोनिया बताया था प्रोडक्ट तो आप यही लिखिएगा मैकेनिज्म भी समझा दिया था तो ये ट्रांस ब्यूटून है चलिए ओके क्लियर है सबको माशाल्लाह बहुत अच्छे आदमी आप लोग which option is correct? बाहर बहुत आवश्यक हो प्लीज कवर या मास्क ध्यान रखें कि मुँह और नाक अच्छी तरह से ढके रहे हाँ तो उसका आंसर क्या था भाई ओके okay, चलिए मैं देखता हूं आपके पास ये क्वेश्चन था तो यहां मार्को निकॉफ रूल गौर से सुनिए अच्छे से एच बी आर अब यहां पर जब भी एच बी आर के साथ रिएक्शन होता है तो ये आपको मालूम है कि आवाज तो आ रही है ना सबको यस yes, सर हाँ तो आपको ये मालूम है कि एच हमें देखना है जहाँ पर स्टेबल कार्बो के टाइन बने दो पॉसिबिलिटीज़ है एक अगर सी एच पर यहाँ पॉजिटिव होगा तो यहाँ सी एस टू सी एस थ्री होगा एक पॉसिबिलिटीज ये है और एक पॉसिबिलिटीज़ ये है कि अगर सी एस टू यहाँ होगा तो सी एच पर प्लस आएगा आपको मालूम है ये कार्बो केटाइन स्टेबल कार्बो के बिकॉज रेजोनेंस स्टेबलाइज स्टेबल कार्बो के प्रोडक्ट बनेगा वो ए होगा ए ए ऑप्शन इज करेक्ट बिकॉज वहां बनेगा जहां दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज मेन आंसर बताइए सबको समझ में आया या नहीं आया जल्दी बोलिए स्टेबल कार्बो के टाइम सबको एक्सप्लेनेशन समझ में आया वरुण जीतनपुरी दमन बताइए लिख लिया तो बताइए को इतना चलिए मैंने आपको सिखाया था कि ट्रांसब्यूट टू इन है सारे लोग सुने पहले सारे लोग मैसेज कीजिए ये एंटी एडिशन है किसिन एडिशन है सारे लोग बताइए एंटी एडिशन है किसिन एडिशन है अरे एक ही आंसर आया बताओ भाई ये कौन सा एडिशन है टाइम तो टाइम याद है सिमेट्रिकल हो तो टाइम एंटी एडिशन तो मेजो कंपाउंड बनेगा अब मेजो का मतलब हुआ ऑप्टिकली इनएक्टिव मेजो कंपाउंड बनेगा अब मेजो कंपाउंड का मतलब हुआ ओनली वन चूंकि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है इसका डी और एल फॉर्म नहीं होता ऑप्टिकली इनएक्टिव दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट देखो सबका गलत आंसर आया ए जब वो मेजो बनेगा तो एक ही बोलना है हाँ जब वो स्ट्रक्चर लिख देता जब मेजो खुद कह रहा है जैसे मैं अगर ये लिखूं, जैसे देखिए सीएस थ्री बी आर है मान लीजिए मैं ये लिखू मैं ये लिखू मान लीजिए तो इसमें आप बोलेंगे तीन है क्योंकि आप इसमें अरेंजमेंट कैसे भी कर सकते हैं मेजो भी हो सकता है और डी और एल फॉर्म भी हो सकता है लेकिन यहां प्रोडक्ट तो मेजो बनेगा ना एक ही प्रोडक्ट बनेगा मेजो ऑप्टिकली इनएक्टिव या अगर ये रहता तो पूछा जाता पॉसिबिलिटीज तीन लेकिन जब मेजो बनेगा इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव आर यू गेटिंग माई पॉइंट हाँ तो ये सब छोटे छोटे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब हैं जो आपको आने चाहिए चलिए क्वेश्चन अब है ये बहुत इंपॉर्टेंट है अभी नंबर ऑफ नंबर ऑफ आइजोमर्स ब्रैकेट में है इंक्लूडिंग ইনুডিং এজোমাৰ ইনক্লুডিং পাচেবল আপোন मोनो क्लोरिनेशन ऑफ चलिए मोनो इसमें आप मोनोक्लोरिनेशन कराइए और बताइए कितने आइसोमर पॉसिबल हैं <laughs> अरे आंसर नहीं आ रहा है भाई चलिए मैं बताता हूं आपको कैसे करना है देखो सारे लोग सुनो तो ये तो तुम एलेवेंथ में भी पढ़े हो सारे लोग सुनो सी एस थ्री सी एच सी थ्री आपको क्या क्या प्रोडक्ट बन सकता है भाई ट्वेल्थ में हाइलो में तो पढ़े हो ना भाई सी एल टू अल्ट्रा वाले लाइट बताओ एक यहां से बन सकता है तो देखो क्या क्या बन सकता है नंबर वन सी एस थ्री सी एस टू सी एच सी एस थ्री देखो सारे लोग सी एस टू सी एस टू सी एल और से देखो एक ये बना ठीक है भाई अभी मैं पॉसिबिलिटीज देख लेता हूं क्या क्या बनेगा नंबर टू दूसरी पॉसिबिलिटीज सी एस थ्री सी एस टू सी एच सी एस थ्री सी एच सी एल अलहमदल ये तीसरी पॉसिबिलिटीज और दूसरी तीसरी पॉसिबिलिटीज है सी एस थ्री सी एस टू सी सी एल सी एस थ्री सी एस टू सी एस थ्री ठीक है तीसरी पॉसिबिलिटीज हुई ये इस तरह के क्वेश्चन तो आप किए हैं ना भाई चौथी पॉसिबिलिटीज सी एस थ्री सी एस टू सी एच सी एस टू सी एल सब प्रोडक्ट मोनोक्लोरिनेशन का मतलब यही हुआ कि एक क्लोरिनेशन से ये अब बताओ देखो अब ये वाली पोजीशन पर अगर करोगे तो यही बनेगा इस वाले पर करोगे तो यही चार बनेगा पहले बताओ ये चार प्रोडक्ट बनेगा पहले बताओ ये समझ में आया कि नहीं ये चार प्रोडक्ट बनेगा ये समझ में आया अब आओ आइसोमर कह रहा है आइसोमर हाँ अब देखो यहां पर ये काइरल सेंटर है कि नहीं देखो काइरल सेंटर अब इसके दो फॉर्म होंगे इसमें कोई कारण नहीं है तो ये वन ही रहेगा कह रहा है टोटल नंबर ऑफ आइसोमर इंक्लूडिंग स्टीरियो तो दो आप देखो इधर यहां दो दो काइरल सेंटर है देख लो अच्छे से और कल बताया था अगर मोलेकूल तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मोलेकूल इज अनसिमेट्रिकल तो नंबर ऑफ ऑप्टिकल अप, आइसोमर जो होता है ना टू द पावर एन तो यहां पर टू द पावर टू फोर तो यहां पर फोर होगा अब यहां पर देखो इसमें कोई कारल सेंटर नहीं वन इसमें भी कोई कारल सेंटर नहीं इसमें भी वन तो टोटल कितने हो गए देखो टोटल आइसोमर कितने हो गए बोलो प्रोडक्ट पूछे टोटल कितने हो गए तीन चार आठ आइसोमर दिस इज द आंसर तो कितना अच्छा छोटा छोटा क्वेश्चन है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में आएगा थोड़ा बहुत भी ध्यान दीजिएगा तो बताइए अच्छे से समझ में आया बताइए सबको एक्सप्लेनेशन समझ में आया कि नहीं चलिए अगर आपको इतना समझ में आएगा तो एक क्वेश्चन मैं इसी पर दे रहा हूं और आप इसको करके देखाइए अभी लगातार ऑर्गेनिक की सीरीज चलेगी देखिए ऑर्गेनिक पढ़ने का तरीका आज मैंने आपको दिया है ओ सी पढ़िए और रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ लीजिए रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़िएगा तो पूरे ऑर्गेनिक का 60 परसेंट रिएक्शन उसी में है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन फ्री रेडिकल इलिमिनेशन तो जीओसी पढ़िए पढ़ा दिया है ये सब आपको आना चाहिए तो सीरीज देखिए जीओसी आइजोमर इस तरह सीक्वेंस में पढ़िए ऑर्गेनिक और, और रिएक्शन मैकेनिज्म पहले यहां तक ऊपर उसके बाद हाइड्रोकार्बन यहां तक अगर आपने ऑर्गेनिक पढ़ लिया तो सेवेंटी परसेंट सॉल्व बाकी में थर्टी परसेंट है बाकी में हेलो जब यहां तक पढ़ लीजिएगा ना तो हैलो अल्केन में कुछ बचेगा ही नहीं बस दो तीन स्पेशल रिएक्शन बचेगा बाकी यहां तक जब पढ़ लीजिएगा तो हाइलो अल्केन में पूरी रिएक्शन यहाँ तक कवर हो जाएगी रिएक्शन हाइड्रोकार्बन तक इस सीक्वेंस में आप पढ़िए मैं आइसोमर वाली सीरीज भी मैं भेज दूंगा आपको लेकिन आप एनसीईआरटी और नोट्स को लेकर पढ़िए प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम तो इस सीरीज में आप इस तरह पढ़ेंगे तो फिर आपको आ जाएगा चलिए एक क्वेश्चन मैं देखता हूं किसको कितना समझ में आया क्वेश्चन नंबर फिफ्थ अगर आपको बहुत अच्छे से आ गया है तो मैं ये प्रोडक्ट दे रहा हूं देखता हूं कितना आपको आ रहा है बी आर टू है अल्ट्रावायरल लाइट है नंबर ऑफ प्रोडक्ट बताइए इंक्लूडिंग स्टीरियो आइजोमर शुरू हो गयी है ऐसे में अपने घरों ऐसी बाहर का भी रखने के बहुत आवश्यक या सार्वजनिक स्थानों आरोप कम ऐसी कम दूर व्यक्ति बीत सके हाथ और सांस के प्रति स्वच्छता का पालन करें याद रखें छोटी सी लापरवाही भी भारी कर सकती है खासी बुखार या साफ के रोने कठिनाई होने आरोप लाइन या राष्ट्र करके लिख लिया तो कम से कम अभी घर पर रिएक्शन मैकेनिज्म को पढ़ो जल्दी से सैटरडे संडे तक खूब पढ़ लो रिएक्शन मैकेनिज्म और हाइड्रोकार्बन बाकी एल्डिहाइड कीटोन सब में नेम रिएक्शन पर बस ध्यान देना आपको चलिए यहाँ देखिए पहला काम हम इसका पॉसिबल प्रोडक्ट बना लेंगे सी एस थ्री सी एच सी एस थ्री सी एस टू सी एस टू बी आर सी एस थ्री सी एच सी एस थ्री सी एच बी आर सी एस थ्री तीसरा है सी एस थ्री सी एच सी एस टू बी आर सी एस टू सी एस थ्री चौथा है सी एस टू बी आर सी एच सी एस थ्री बताइए पहली बात ये चार सबसे बना है इसमें भी चार बनेगा लेकिन देखो अब देख लो कहीं पर कोई कायरल सेंटर तो नहीं है देखो ये वाला जो है वो कायरल सेंटर है इसमें दो बनेगा बाकी में यहाँ देखो यहाँ भी कायरल सेंटर है देखो अच्छे से यहाँ भी दो बनेगा यहाँ पर वन बनेगा कोई कायरल नहीं अच्छा कारेल, कार्बन देखने आता है ना सबको फोर फोर अटैच एटम आर डिफरेंट देखो ये भी कायरल सेंटर है दो सच सच बताओ ये जो मैंने बताया सबको समझ में आया यहां तक चार बनेगा टोटल स्ट्रक्चर चार बनेगा अब बताओ सारे लोग इसमें कोई कायरल नहीं इसमें ये कायरल इसमें देखो ये कायरल चारों ग्रुप डिफरेंट इसमें भी देखो चारों ग्रुप डिफरेंट टोटल कितना आ गया सेवन डी ऑप्शन नन अब बताओ आया कि नहीं सबको समझ में दमान अरिशा उमामा वरुण जितनपुरी नासिर शमीम सलील बतुल सबको समझ में आया या नहीं आया थैंक यू थैंक यू अरिशा वेरी गुड हाँ तो अब ये दो क्वेश्चन करवाए आप चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ बहुत आसान दे रहे हैं तो प्लीज ये दो दिन आप लोग को रिएक्शन मैकेनिज्म और हाइड्रोकार्बन पढ़ लो मंडे को डिस्कशन होगा मंडे को हेलो अल्केन हेलोरिन एक दिन में ही खत्म हो जाएगा फिर अल्डीहाइट की टोन अल्कोहल सबके नोट्स में धीरे धीरे भेजता रहूंगा आप जब तक यहां तक खुद पढ़ें क्वेश्चन नंबर सिक्स पढ़ के नहीं आओगे तो नहीं समझ में आएगा याद रखो कंपाउंड ट्रीटेड विथ एन एन एस टू इसको सोडियम अमाइड कहते हैं टू गिव टू गिव सोडियम सॉल्ट बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है जो पढ़ा होगा वो डायरेक्ट क्वेश्चन आइडेंटिफाई दंपाउंड Which option is correct? वेरी गुड वरुण वेरी गुड बहुत अच्छे ये डायरेक्ट आंसर है हाँ ए ऑप्शन इज करेक्ट क्वेश्चन लिख लिया मैं थ्यूरी पढ़ा देता हूं इसका देखा बताता हूं देखो यहाँ थ्योरी ये है देखो याद रखो हमेशा अल अल्क वन आइन याद रखो कोई भी अल्काइन इज नेचर याद रखो एसिडिक इन नेचर पहले कंसेप्ट समझो सी एच ट्रिपल बॉन सी एच है क्यों एसपी हाइब्रिडाइज जो होता है वो माइनस आई इफेक्ट होता है माइनस आई इफेक्ट से एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है बढ़ता है तो पहली बात याद रखो ये एसिडिक है जो एसिड होता है वो मेटल के साथ देखो सी सी सो मैटल के साथ देखो इसका दोप याद रखो इससे सोडियम मेटल के साथ भी अगर इसका होगा तो सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी, बॉन, सी एन ए बनेगा इसको कहते हैं नाम में सोडियम इथाइनाइड और सोडियम अमाइड इसको सोडियम अमाइड इनऑर्गेनिक में कहते हैं सोडियम अमाइड भी इसको कहते हैं ये क्या एक तरह का सॉल्ट है इसमें भी सिमिलर रिएक्शन और हाइड्रोजन गैस क्या होगा लिबरेट होगा यहां पर भी वही है सी एच ट्रिपल बॉन सी एन ए और सॉरी यहां पर माइनस और इसमें भी हाफ एस टू गैस लिबरेट होगा अब समझ में आया थ्योरी अब इसके बेसिस पर एक और क्वेश्चन दे रहा हूं जो नीट में भी आ चुका और जी मेंस में भी तो याद रखना अल्क वन आइन अच्छा याया सबको समझ में अल्कबाइन आइन जिसके नेमिंग में वन आइन हो अरे बोलो आया एसिडिक है ये माइनस आई इफेक्ट है माइनस आई इफेक्ट एस करैक्टर ज़्यादा एस परसेंटेज ऑफ एस ज़्यादा होता है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है ये लिख लिया आप लोगों ने

अरे आंसर दे ही नहीं रहे हो भाई क्या हो गया अरे सबसे ज्यादा एस कौन है बाप रे भाई इतना आसान क्वेश्चन नहीं हो रहा है अरे ऑप्शन दीजिए ना ऑप्शन डी ऑप्शन देखो सबसे ज्यादा ये अब देखो यहां भी एसपी टू है लेकिन बेंजीन में एसपी टू बहुत ज्यादा है एस पी टू यहाँ भी है सब सारे एस पी टू हैं तो डी सी बी ए सिकन ऑप्शन अरे बोलो आया सबको चलिए विच ऑप्शन इज करेक्ट इसका आंसर तो दे यार तुम लोग बहुत लेट करते हो जल्दी बताओ वरुण जितनपुरी ए ऑप्शन क्योंकि देखो यहां माइने प्लस आई इफेक्ट है और यहां दो दो प्लस आई इफेक्ट है दैर द रीजन याद रखना सी एस थ्री सी ट्रिपल बॉन सी सी एस थ्री सोडियम के साथ या सोडियम अमाइड के साथ नो no रिएक्शन ये याद रखो सोडियम अमाइड के साथ वही रिएक्शन करेगा जिसके पास इसीलिए मैंने वर्ड लिखा था अल्क वन आइन अल्क वन आइन इसीलिए लिखा था इसका नाम है ब्यू टू आइन जहां पर भी वन के अलावा ट्रिपल बॉन्ड किसी और पोजीशन पर हो तो वहां वो एसिडिक नहीं होगा उसमें हाइड्रोजन नहीं होगा ए मोर उसके बाद सेकंड फिर थर्ड इसका मतलब ये हुआ कि यह सॉल्ट नहीं बना पाएगा आर यू गेटिंग माई पॉइंट यस नो यस नो मैं एक आसान दूंगा क्वेश्चन उसके बाद मैं देखना चाहता हूं तुम्हारा बेसिक कितना मजबूत है उसके बाद मैं एक क्वेश्चन दूंगा

हाँ ये तो आसान है एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल है ये और एंटी मार्कोनिक रूल में जो आ, आंसर आएगा बीस आंसर ये तो जानते हो ना बहुत सबको मालूम था ना ये एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल है और याद रखो एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल इज इट इज द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फ्री रेडिकल फ्री रेडिकल कहां बनता है तो ये शॉर्ट फॉर्म मेरे नोट्स में होगा जब भी ऑर्गेनिक में हेल्पर वर्ड हो जब भी रिएक्शन में हीट हो एनर्जी हो लाइट हो पी आर रिएजेंट हो पी आर का मतलब ये हुआ तो हमेशा वहां फ्री रेडिकल बनेगा कि स्टूडेंट को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कब बनेगा फ्री रेडिकल इसको कहते हैं हेल्पर फ्री रेडिकल बनने के लिए ये चार चीजें का होना जरूरी है अब मैं एक अच्छा सा क्वेश्चन दे रहा हूं तो एंटी मार्कोनिकोफ्रुल का एक्सप्लेनेशन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है हाँ बोलिए वरुण का आंसर सी है दमन का ए है दमन ए तो हो ही नहीं सकता दमन एच बी आर डबल बॉन्ड पर अटैक करता है दमन दमन एच बी आर डबल बॉन्ड पर अटैक करता है अल्लाह रहम करे या तो देखे ये आंसर कट्टीस ये आंसर कट्टीस ए बी तो होगा नहीं अब आपके पास सी और डी है तो इसमें फ्री रेडिकल है फ्री रेडिकल जिसका स्टेबल होगा वहीं प्रोडक्ट मेजर होगा तो देखिए इसका एक्सप्लेनेशन कैसे देंगे जब भी ना समझ में आए तो आप क्या कीजिए तो देखिए आप क्या कीजिए कि यहां पर आप फ्री रेडिकल बना लीजिए क्योंकि कार्बन दोनों पे हाइड्रोजन तो सेम है एक फ्री रेडिकल यहाँ बनाइए सी एस टू है आपके पास और एक अगर सी एस टू इधर होगा सीएच फ्री रेडिकल यहां बनेगा ये यह अपने आप में समझिए क्वेश्चन भी हुआ कि आप बताइए सारे लोग सी डी वाले जिन्होंने आंसर दिया इसमें कौन सा फ्री रेडिकल स्टेबल है बताइए कौन सा फ्री रेडिकल स्टेबल है फ्री रेडिकल को स्टेबल कौन करता है प्लस आई प्लस एम प्लस एच फ्री रेडिकल डायरेक्टली स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल बताइए तो यहां पर सी एस थ्री लगा हुआ है जिसमें प्लस आई और प्लस एच है ये इलेक्ट्रॉन देगा तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी ये मोर स्टेबल है reason, जो मेन प्रोडक्ट बनेगा सी एच बी आर सी टू जहां फ्री रेडिकल है बताओ ये कौन सा ऑप्शन था ये कौन सा ऑप्शन था सी आर डी था ये वाला हाँ आप बताइए किसी को डाउट है इसको समझने में तो बताइए किसी को डाउट है इसमें तो पूछिए फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है तो आपको फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी चेक करनी पड़ेगी सलील बतूल अरीशा सबको समझ में आया जीतनपुरी चलिए आपको कह रहा है ये थर्ड वन जो है ये टेस्ट के फॉर्म में आराम से आंसर दीजिए ये जो थर्ड है इसको रेस्ट कंपाउंड से आप किस किस बेसिस पर डिस्टिंग्विश कर सकते हैं 哎。 देखो बीआर टू जो होता है आपको कह रहा है थर्ड को ऐसा रियाजन लेना है जो तीनों को डिस्टिंग कर दे बी आर टू सी एल फोर लोगे ना तो वो अलके थर्ड को टू से डिस्टिंग करेगा क्योंकि बी आर टू सी सी एल फोर से अल्किन और अल्काइन दोनों रिएक्ट करता है क्वेश्चन को समझो ऐसा रियाजन लेना है कि जो थर्ड का डिस्टिंग तीनों से हो अगर बी आर टू ले रहे हैं तो इसमें थर्ड का डिस्टेंग्वे सिर्फ टू से होगा कोल्ड लेते हैं तो कोल्ड कैम एन ऑफ फोर किसको डिस्टिंग करता है भाई ये बियर्स रिएजेंट है अल्केन और अलकीन का पता चलेगा अल्काइन भी रिएक्ट कर लेता है तो अमोनिकल एजी जिसको कहते हैं टॉलेंस रिएजेंट टॉलेंस रिएजेंट के साथ सिर्फ थर्ड रिएक्ट करेगा टॉलेंस रिएजेंट के साथ ना ए करेगा क्यों सॉल्ट है ए जी जैसे सोडियम सॉल्ट बनाता है ना तो ये एसिडिक है एसिडिक तो ये सिल्वर सॉल्ट बना देगा याद आया टॉलेंस रिएजेंट तो याद रखिए आप क्वेश्चन को दोबारा समझिए ऐसा रिएजेंट लेना है जिसको थर्ड को तमाम से डिस्टिंग्विश कर दे ये लाइन इंपॉर्टेंट है

बाकी वन टू फोर नहीं करेगा क्यों बिकॉज अलकाइन इज एसिडिक इन नेचर इट फॉर्म सिल्वर सॉल्ट दिस इज कॉल्ड टॉलेंस रियजेंट बताइए आया सबको समझ में अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन है इसको करो फिर हम अच्छा क्वेश्चन देंगे ये ट्वेल्थ में भी पढ़ चुके हो और इलेवेंथ में भी ट्वेल्थ में कहा पढ़े हो वो हम बताएंगे पहले तुम बनाओ ये ट्वेल्थ के ऑर्गेनिक में भी है और एलेवेंथ के भी ऑर्गेनिक में है जो जितना ऑर्गेनिक हाँ पढ़ने पढ़ोगे तो पी पूछ रहा है ए ये डायरेक्ट है ये इलेवेंथ में भी पढ़े हो ट्वेल्थ में भी पढ़े हो आंसर दो भाई हो सी ऑप्शन ये डायरेक्ट आपके सेल्फ स्टडी पर है देखिए सी एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच वाटर के साथ रिएक्शन है एच जी प्लस टू और डायलू टेस्टोसोफो इसको कहते हैं हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन तो पहले मार्कोनिकॉफ निकॉफुल लगाओ पॉजिटिव पार्ट उस पर अटैक करेगा जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा हो और याद करो यही वो है जिसको मैंने डिटेल में पढ़ाया था यहाँ पर टोटोमेरिज्म हो जाएगा क्यों होगा देखो ये एनोलिक फॉर्म है हाइड्रोजन शिफ्टेड तो ये ये कीटोन बनेगा याद आया क्यों क्यों होगा क्योंकि ये स्टेबल है यहाँ पर याद है कीटो में जब कीटो और एनोलिक फॉर्म यहाँ कीटो की परसेंटेज ज्यादा थी इसलिए इसमें कन्वर्ट हो जाएगा बताओ तो ये तो तुम्हारे इस पर है सेल्फ स्टडी पर है कितना पढ़े हो ये एलेवेंथ में भी हाइड्रोकार्बन में है और ये अल्डिहाइड और कीटोन में भी है ट्वेल्थ में मैंने इसलिए कहा रिएक्शन मैकेनिज्म पर लो हाइड्रोकार्बन पर लो तो ऑर्गेनिक का लगभग सेवेंटी परसेंट रिएक्शन पर कमांड होगा hmm. Hmm. वेरी गुड सब लोग आंसर दें ये तो आसान है देखिए मार्कोनी मार्कोनिकॉफ्रुल लगेगा लेकिन मार्कोनी मार्कोनिकॉफ्रुल के लिए बताया गया था आपको गौर से सुने अच्छे से इसमें कार्बो कार्बोकेटाइन बनता है और सारे लोग जाने यहाँ पर रीअरेंजमेंट होगा ये कार्बो कार्बोकेटाइन है हाइड्राइड शिफ्टेड दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी में ट्वेल्थ के एनसीईआरटी में इस पर दो क्वेश्चन हैं तो अब बी आर माइनस यहाँ पर अटैक करेगा तो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा रीअरेंजमेंट री, री होगा क्यों जितना कार्बो के टाइम ये अब टर्शरी कार्बो के टाइम में कन्वर्ट हो गया जितना कार्बो के टाइम स्टेबल होगा इसलिए याद रखिए मार्कोनिकॉफ रूल जब भी इस्तेमाल करें अपने माइंड में कार्बो के टाइम का रीअरेंजमेंट रखें माइंड में जहां रीअरेंजमेंट होगा वहां रियजमेंट के बाद ये है मेजर प्रोडक्ट आर यू गेटिंग माई पॉइंट जितना ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट उतना प्रोडक्ट मेजर होगा बोलिए क्लियर है सबको जल्दी बोलिए दमान अरिशा ये सब आप सो पढ़ चुके होंगे याद रखिए जहां कार हाँ जैसे अभी लिखिएगा नहीं इस पर एक प्रैक्टिस करा देते हैं जैसे यहां पर सीएस थ्री सी एस थ्री है सीएच डबल बॉन्ड सी एस टू है एस सी एल दिया तो दिस इज रूल लगेगा जब भी ऑफ रूल रहे तो पहला काम क्या कीजिए कि आप कार्बो के टाइम बना लीजिए यानी पॉजिटिव पार्ट उस पर अटैक करेगा जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा हो तो ये तो बना लिया आपने अब फिर साइड से देख लीजिए क्या अलकाइल हाइड्रोजन की शिफ्टिंग से अगर स्टेबल कार्बो बन रहा है तो वहां रीअरेंजमेंट देखिए यहां मिथाइल शिफ्ट करा दीजिए तो इससे फायदा होगा तो यहां पर देखिए टर्शरी कार्बो बना रूल वही कह रहा है देखिए मार्कोनिकॉफ रूल हो गया अब फर्दर सीएल अटैक कराने से पहले फ्रैक्शन ऑफ के लिए सोचिए क्या जब भी रिअरेंजमेंट होगा पोजीशन पर होगा अर्जेसेंट तो देखिए ये टर्शरी बना इसका मतलब मेन प्रोडक्ट जो होगा इसका सी एस सी सी एस सी सीएल दिखने में लग रहा है <coughs> तो यहाँ सी एस थ्री सी एस थ्री बताइए आया ये रूल का आया कि नहीं सबको तो रूल तो आपको आता है लेकिन अच्छे क्वेश्चन में भी आपको आना चाहिए बोलिए आया सबको कि पहले अटैक करा दीजिए हायर नंबर वाले पर अब फिर देख लीजिए कि निकलियो फाइल के अटैक से पहले रीअरेंजमेंट हो रहा है कि नहीं अगर रीअरेंजमेंट हो रहा है तो री रीअरेंजमेंट कराकर प्रोडक्ट बनाइए सच सच बोलिए यहाँ तक आया ये जो मैंने दूसरा एग्जाम्पल दिया गॉट इट चलिए चलिए ओके आज इतना ही इतना पढ़ के रखिएगा नेक्स्ट क्लास मंडे को होगी और आप हेलो अल्केन हेलो रिम्स देख कर आएंगे प्लीज हेलो अल्केन हेलो रिम्स थैंक यू सर ओके बाय थैंक यू Thank you Ultimas